और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग के पहले ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया व्याख्यान सीरीज के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि कोई देश अकेले प्रगति नहीं कर सकता, नए विचारों पर सामूहिक रूप से अमल करने की जरूरत है। नीति आयोग के पहले ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया व्याख्यान में शामिल हुए सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में मजबूत लोकतंत्र की बदौलत अर्थव्यवस्था में चीन को पीछे छोड़ने की अपार क्षमता मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के दो दिनों के कश्मीर दौरे के अंत में किए कई अहम ऐलान। कहा, शीघ्र आएगा पैलेट गन का विकल्प। सरकार इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के दायरे में किसी से भी बातचीत को तैयार। कश्मीरी युवाओं की समस्याओं को सुनने के लिए होगी नोडल ऑफिसर की तैनाती। भारतीय नौसेना की स्कॉर्पिन पनडुब्बी से संबंधित गुप्त जानकारी लीक होने के मामले पर सरकार ने कहा, इससे देश की सुरक्षा पे कोई खतरा नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियों में जलस्तर घटने और स्थिर रहने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में स्थिति अभी भी गंभीर। बाढ़ की स्थिति पर है प्रधानमंत्री की नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़कर सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ट्विटर पर पीएम मोदी के 2,21,00,000 फॉलोअर हैं, जबकि अमिताभ बच्चन के 2 करोड़ फॉलोअर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद पीएम मोदी दुनिया भर में ट्विटर पर फॉलो किए जाने वाले दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई की हाजी अली दरगाह के अंदर महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी है। हाजी अली ट्रस्ट इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगा। वहीं मुसलमान महिला संगठनों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अफगानिस्तान ने साधा पाकिस्तान पर निशाना। कहा, बुधवार को काबुल स्थित अमेरिकी विश्वविद्यालय पर हुए हमले की योजना पाकिस्तान में बनाई गई थी। काबुल ने कहा, दोषियों पर कार्रवाई करे पाकिस्तान। केरल के कुन्नूर जिले में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर सीपीएम कार्यकर्ताओं का हमला। एक आरएसएस कार्यकर्ता घायल, अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। बीजेपी ने कहा कि राज्य में हालात अच्छे नहीं। इटली के पर्वतीय इलाके में बुधवार को आए जोरदार भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 250, 400 से ज्यादा लोग घायल। ऐतिहासिक शहर अमाट्रिस तबाह। निर्भया गैंगरेप केस में दोषी विनय शर्मा ने की तिहाड़ जेल में आत्महत्या की कोशिश। उसे पहुंचाया गया अस्पताल। विनय की स्थिति खतरे से बाहर। शीना बोरा हत्याकांड मामले में नए ऑडियो टेप लीक होने से शीना के पिता पीटर मुखर्जी भी संदेह के घेरे में। पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के साथ हत्या के सबूतों को दबाने में थे शामिल। रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली एथलीट ओपी जैशा को स्वाइन फ्लू। अस्पताल में भर्ती। बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत के साथ ओलंपिक में हिस्सा लेकर स्वदेश लौटी है जैशा। वैज्ञानिकों को पृथ्वी की तरह जीवन के लिए उपयुक्त ग्रह मिला। प्रोक्सिमा बी दिया गया है इसका नाम। प्रोक्सिमा बी 11 दिनों में करता है अपनी परिक्रमा पूरा। इस खोज को ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा जीवन की खोज के रूप में काफी अहम माना जा रहा है। IRCTC दूसरी बार फॉर्च्यून 500 में शामिल। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने रेल सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने में निभाई है अहम भूमिका। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।